हेलो नमस्कार दोस्तों, भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि भारत का सर्वोच्च विधान है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और पारित किया गया था। ये संविधान सभा एक सभा थी जिसका गठन किया गया था 6 दिसंबर 1946 को और जिसको बाद में ख़त्म कर दिया गया 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 से हमारे पूरे भारतवर्ष में भारत का संविधान को लागू किया गया और उसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया गया है और तब से लेकर आज तक 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। मगर जब भारत का संविधान बन रहा था, जिसको बनने के लिए करीबन 2 साल 18 महीने और 11 दिन लगे थे, हमारे भीमराव अम्बेडकर जी यानी कि बीआर अम्बेडकर जी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के उस समय चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने भारत को संविधान बनाने के लिए कई सारी चीज़ों का रेफरेंस लिया। जैसे कि आज की डेट पे हम कई सारी चीज़ों का रेफरेंस लेते हैं या नेट पे सर्च करते हैं या किसी मैगजीन्स का सहारा लेते हैं, तो उसी समय कई सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए उस जो कमेटी थी बनी हुई, उन्होंने कुल जो 9 देश हैं उनसे कई सारे संविधान की सहायता ली है। तो कई बार क्वेश्चन से आ जाता है आपके एग्ज़ाम में कि ये देश बताइए जिस पे से संविधान को लिया गया या नहीं लिया गया, तो मैं आज आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपको परमानेंटली ये याद हो जाएगा कि वो 9 देश के नाम क्या हैं जो कि भारत के संविधान बनाने के टाइम पे काम आई थी। तो उसका शॉर्टकट ट्रिक है अरबिंद आज रुक जा अमेरिका, यानी कि अरबिंद, यानी कि अरबिंद से हो जाएगा आपका आयरलैंड, बी से ब्रिटेन, दा से दक्षिण अफ्रीका, आ से ऑस्ट्रेलिया, जा से जर्मनी, रू से रूस, का से कनाडा और जा से जापान और अमेरिका, तो फाइनली बसता ही है। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक थी जिसके इस्तेमाल से आप याद रख सकते हो 9 देशों के नाम जिससे हमें सहायता मिली थी संविधान को बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी और आप जुड़े रहेंगे मेरे चैनल के साथ। तो आप बने रहिए मेरे से चैनल के साथ और मैं नई नई ट्रिक्स के साथ आपके पास आता रहूँगा। देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।